चलिए आज हम निकॉन Z6 II कैमरे में एक ट्रिक सीखेंगे जो शायद ही किसी को मालूम होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम अपने Z6 कैमरे में से अपना कार्ड रिमूव करेंगे। ये हो गया रिमूव। कार्ड रिमूव हो जाने के बाद हम अपना कैमरा ऑन करेंगे। ये देखिए ये कैमरा ऑन हो गया है। अब कैमरा ऑन रखते हुए ही हम कैमरे में से बैटरी को रिमूव करेंगे। ये बैटरी रिमूव हो गई है। बैटरी रिमूव हो जाने के बाद हम अपने लेंस को रिमूव करेंगे। देखिए ये हमने लेंस रिमूव किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे सेंसर का प्रोटेक्शन आ गया है। ये प्रोटेक्शन अंदर डस्ट को जाने नहीं देगा। आप जब कभी भी लेंस चेंज करोगे तब ऐसे करके लेंस को चेंज कीजिए तो अंदर डस्ट नहीं जाएगा। ये देखिए प्रोटेक्शन आपको दिख रहा है। ये मैंने बताया उस तरह से करेंगे तो ही ये प्रोटेक्शन खुला रहेगा, वरना ऐसे नहीं रहेगा। अब हम अपने लेंस को फिर से अटैच करते हैं। लेंस अटैच हो जाने के बाद हम अपनी बैटरी अटैच करेंगे। बैटरी अटैच हो जाने के बाद ये देखिए स्क्रीन पे देखिए एक एरर आया होगा। ये एरर निकालने के लिए हमें कैमरे में कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने शटर को हाफ प्रेस करना है। जैसे ही हम हाफ प्रेस करेंगे तो वो एरर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये देखिए एरर निकल चुका है और कैमरा चालू हो गया है। अब देखिए हमने वो सिंपल ऐसे ही लेंस चेंज करते हैं तो देखिए इसमें सेंसर क्लियरली दिख रहा है, वो प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट लेंस निकालोगे तो सेंसर प्रोटेक्शन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपको सेंसर प्रोटेक्शन कवर चाहिए तो मैंने जो आगे दिखाया उस तरह से आपको करना होगा। सबसे पहले आप मेमोरी कार्ड निकालें और कैमरा ऑन करके बैटरी भी रिमूव कर लें, फिर अपने लेंस को रिमूव कीजिए तो ऑटोमेटिकली सेंसर के आगे प्रोटेक्शन कवर आ जाएगा। आशा है कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।